देखिए कल के वीडियो में मैंने तुमको जो अभिक्रिया की शुद्ध गतिकी के लिए जो क्यू मान का व्यंजक होता है वो करा दिया था, क्लियर कि क्यू मान का व्यंजक क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि देहली ऊर्जा क्या होती है। फर्स्ट मैंने तुमको करा दिया था अभिक्रिया की शुद्ध गतिकी में, पहला क्या कराया था क्यू मान का व्यंजक, और फिर मैं दूसरा कराऊंगा कि देहली ऊर्जा क्या होती है। तो इसमें दूसरा लिखना, हेडिंग डाल लेना कि देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। देखिए अपने पास देहली ऊर्जा क्या होती है। देखिए आपतित कण की जो न्यूनतम जो गतिज ऊर्जा होती है, कि आपतित कण की जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है वो क्या करती है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रारंभ करती है। क्या बोलोगे कि न्यूनतम कण की ऐसी गतिज ऊर्जा या किसी भी न्यूनतम कण की ऐसी गतिज ऊर्जा जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को क्या करती हो, प्रारंभ करती हो, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया चालू करती है, कौन सी गतिज ऊर्जा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मैंने तुमको कल बता दी थी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, क्लियर। और वहां पर क्यू का मान क्या था, ऋणात्मक, क्लियर। कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यू मान का जब व्यंजक ज्ञात करते हैं तो वहां पर मैंने तुमको क्या लिखवाया था कि जहां क्यू का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तथा ऊष्मा का क्या होता हो या ऊर्जा का क्या होता हो, अवशोषण होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर था यहां तक, चलिए लिखिए। इसमें देहली ऊर्जा में आपतित कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा, आपतित कण की, आपतित कण की वह न्यूनतम, आपतित कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए उपयोग में करने के लिए उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है, क्या कहलाती है, उसे देहली ऊर्जा, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। नीचे लिखिए देहली ऊर्जा को, देहली ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए देहली ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए माना उत्पाद कण तथा निर्मुक्त कण के उत्पन्न होने से पहले एक मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त होती है। क्या है कि देहली ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए माना उत्पाद कण तथा जिससे निर्मुक्त कण के उत्पन्न होने से पहले कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, उसकी मध्य की अवस्था प्राप्त होती है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब आपतित कण ए तथा
कारण ए तथा लक्षनाभिक, लक्षनाभिक को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। लक्षनाभिक एक्स संयुक्त होकर, संयुक्त होकर संयुक्त नाभिक बनाते हैं, संयुक्त नाभिक, संयुक्त नाभिक बनाते हैं, संयुक्त नाभिक बनाते हैं। संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान, संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान, संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, एम सी बराबर एम ए प्लस एम एक्स, एम ए प्लस एम एक्स। क्लियर, किसके बराबर होता है जो संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान, आपतित कण का द्रव्यमान प्लस जो जो लक्ष्य नाभिक एक्स है उसका द्रव्यमान, इन दोनों का जो द्रव्यमान का योग है वो किसके बराबर होता है, संयुक्त नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर सभी को। चलिए नीचे लिखिए, आपतित कण, आपतित कण अपना संपूर्ण संवेग, अपना संपूर्ण संवेग संयुक्त नाभिक को, संयुक्त नाभिक को, संयुक्त नाभिक को दे देता है, संयुक्त नाभिक को दे देता है। यदि संयुक्त नाभिक, यदि संयुक्त नाभिक VC वेग से गति करता है, गति करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, संरक्षण नियम से। यहां तक उतारिए। ये तुम्हारी यूनिट सेकंड आज खत्म फिनिश हो जाएगी। क्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स की जो यूनिट सेकंड है आज तुम्हारी फिनिश हो जाएगी। क्लियर, फिर आगे यूनिट फर्स्ट कराएंगे, आज फिनिश हो जाएगी यूनिट सेकंड तुम्हारी। उतार लिया, चलिए तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, मैंने तुमको रेखीय संवेग संरक्षण क्या बताया था कि नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों के संवेग क्या होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। यही तो बताया था रेखीय संवेग संरक्षण नियम कि नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों का जो संवेग है वो क्या होता है, शून्य के बराबर। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम से अपने पास कितना हो जाएगा बताइए, कि कितना हो जाएगा, एम ए वी ए बराबर कितना हो जाएगा, एम सी वी सी, कितना हो जाएगा, एम ए वी ए एम सी वी सी। यहाँ से मैं वी सी का मान निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, एम सी अपॉन कितना आ जाएगा, वो एम ए अपॉन कितना आ जाएगा, एम सी इंटू वी ए, कितना आ जाएगा, एम ए अपॉन एम सी इंटू वी ए। तो अपने पास वी सी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए वी सी बराबर कितना आ जाएगा, एम ए तो है ही अपॉन, हम जानते हैं कि एम सी का मान मैंने तुमको पहले निकलवा दिया, यहाँ कितना है, एम ए प्लस एम एक्स। क्यों, क्योंकि संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान है, संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ए क्या होता है, आपतित कण का कुल द्रव्यमान, और ये एक्स क्या होता है अपने पास, लक्ष्य नाभिक का द्रव्यमान। इन दोनों का योग, लक्ष्य नाभिक का द्रव्यमान और आपतित कण का जो द्रव्यमान है इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, संयुक्त नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए रेखीय संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा, अपन ने क्या माना है कि आपतित कण अपना संपूर्ण संवेग संयुक्त नाभिक को दे देता है, यदि संयुक्त नाभिक वी सी वेग से गति करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, एम ए वी ए बराबर एम सी
वी सी, यहाँ से मैंने किसका मान निकाल लिया, वी सी का, कितना गया एम ए अपॉन एम सी इंटू वी ए, और हम जानते हैं कि एम सी बराबर क्या होता है, एम ए प्लस एम एक्स। तो मैं इसके स्थान पर एम सी के स्थान पर क्या रख दूंगा, एम ए प्लस एम एक्स इंटू वी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नीचे लिखिए, तथा ऊर्जा ई सी किसके बराबर होती है अपने पास, ई बी प्लस ई वाई, ई बी प्लस ई वाई। क्लियर? ये क्या होती है, संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा। क्या होती है, संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा। ये भी कोई आपतित कण का क्या है, बी। ई वाई क्या होती है अपने पास, नाभिक। तो ई सी क्या हो गई, संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा। क्लियर है? तो नीचे लिखिए, तो ई सी बराबर तो जब अपन सी के लिए निकालूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक बटे दो एम सी वी सी स्क्वायर, हो गया नहीं हुआ। तो इसलिए क्यू बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, एक बटे दो एम सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर माइनस एक बटे दो एम ए स्क्वायर और वी ए स्क्वायर, हो गया नहीं हुआ भाई। सी के लिए भी हो गया और ए के लिए भी, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर, एम ए वी ए बराबर एम सी वी सी। तो इनके लिए जब मैं संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा निकालूंगा तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे दो एम सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर, इसको उधर साइड ले गया तो किस में हो गया, माइनस में, तो एक बटे दो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, हो गया नहीं हुआ, गतिज ऊर्जा निकाल ली। आगे अपने पास बात आती है तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, एक बटे दो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस एक बटे दो। अब देखिए, एक बटे दो एम सी स्क्वायर और वी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे लेते हैं, माइनस क्यू बराबर अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, एक बटे दो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस एक बटे दो, और एम सी का मान कितना था, एम ए प्लस एम एक्स, तो एम ए प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। और वी सी का अब मान निकाला है, नहीं निकाला, ये निकाला है वी सी का, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, ये मान, तो अपने पास कितना आ जाएगा, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम एक्स का एम एक्स इंटू इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और इंटू वी ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या? कि देखिए, अपन ने एम ए वी ए एम सी वी सी डी के संवेग संरक्षण से यहाँ से किसका मान निकाल लिया, वी सी का मान निकाल लिया। हम जानते हैं कि एम सी बराबर क्या होता है, एम ए प्लस एम एक्स, तो एम सी के स्थान पर क्या रख दिया, एम ए प्लस एम एक्स। यहाँ से अपन ने गतिज ऊर्जा निकाल ली किसकी, संयुक्त नाभिक की, तो ई सी बराबर एक बटे दो एम सी वी सी स्क्वायर, किसके लिए, सी के लिए, और फिर अपन ने किसके लिए निकाल ली, ए के लिए, तो कितना हुआ है, एक बटे दो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर। तो अपने पास जो क्यू बराबर आएगा, एक बटे दो एम सी स्क्वायर वी सी स्क्वायर माइनस एक बटे दो एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर। माइनस चिन्ह से जब मैं गुणा करूंगा तो इधर साइड ये आ जाएगा, इधर साइड वो चले जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें एम सी का मान रखा है और वी सी का मान रखा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे चलते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास माइनस क्यू बराबर एक बटे दो कितना है, एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर, ये तो जो का त्यों है। और अब देखिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अपने पास कितना बच जाएगा, एम ए अपॉन कितना बच जाएगा, एम ए प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो वो हट ही जाएगा, तो एम ए प्लस एम एक्स रह जाएगा। नीचे लिख देना, चूंकि दहली ऊर्जा बराबर कितना आ जाएगा, दहली ऊर्जा का मान कितना होता है, हम जानते हैं कि एक बटे दो कितना होता है, एक बटे दो एम ए वी ए
स्क्वायर, एक बटे दो एम ए वी ए स्क्वायर। तो नीचे लिख देना ई वर्टिकल बराबर कितना आ जाएगा, एक बटे दो, इसके इस समीकरण को देखना कितना आएगा, माइनस क्यू एम ए प्लस एम एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, या इसको इस प्रकार लिख लीजिए एम एक्स प्लस एम ए अपॉन कितना आ जाएगा एम एक्स एम एक्स एम एक्स। क्लियर? ये क्या होती है अपने पास, देहली उड़, देहली उड़। नोट डाउन करिए जल्दी। ये अपने पास हो गई देहली ऊर्जा, जो अभिक्रिया की शुद्ध गति की होती है वो किस प्रकार, दो प्रकार से होती है, एक तो क्यूमान का व्यंजक से और ये क्या होती है देहली ऊर्जा। क्लियर? देहली ऊर्जा। उतारिए जल्दी से, उतार लिया। चलिए अगला हेडिंग डालिए नाभिक अभिक्रिया दर, अगला हेडिंग डालिए नाभिक अभिक्रिया दर। अगला हेडिंग है नाभिक अभिक्रिया, अभिक्रिया दर, नाभिक अभिक्रिया दर। लिखिए इसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जिस पर, अभिक्रिया की दर जिस पर आपतित कणों द्वारा, जिस पर आपतित कणों द्वारा, आपतित कणों द्वारा किसी दिए गए, किसी दिए गए लक्ष्य पदार्थ का, लक्ष्य पदार्थ का, किसी लक्ष्य पदार्थ का अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है उसे, उसे नाभिकीय अभिक्रिया, उसे नाभिकीय अभिक्रिया, उसे नाभिकीय अभिक्रिया दर कहते हैं, दर कहते हैं। माना दिए गए पदार्थ के, माना दिए गए, माना दिए गए पदार्थ के, माना दिए गए पदार्थ के परिदर्श का क्षेत्रफल, परिदर्श का क्षेत्रफल, परिदर्श का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा मोटाई, तथा मोटाई एक्स है, तथा मोटाई एक्स है। तो नीचे लिख देना अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर अपने पास कितनी हो जाएगी, डेल एन
अपॉन डेल टी बराबर एन जीरो माइनस एन अपॉन डेल टी बराबर एन जीरो अपॉन कितना आ जाएगा डेल टी, और एन का मान हमने पहले निकाला था कितना होता है वन माइनस ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स माइनस सिग्मा एन एक्स। इसको डायरेक्ट याद रख लेना, इनाब के अभिक्रिया की दर क्या होती है डेल एन अपॉन डेल टी बराबर एन जीरो माइनस एन अपॉन डेल टी बराबर एन जीरो अपॉन डेल टी और वन माइनस ई की, क्योंकि जब अपन परिमित मोटाई की जो अपन निर्गत कणों की संख्या निकालते हैं एन का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल टी का, कि जो अपने पास डेल एन अपॉन डेल टी का जब अपन मान निकालेंगे तो उस स्थिति में कितना मान आएगा इसका वन माइनस ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स, कि जो परिमित मोटाई होती है उसके लिए जब अपन कणों की संख्या निकालते हैं उस स्थिति में डेल एन अपॉन डेल टी का मान आता है, तो इसलिए मैंने इसका मान इसको डायरेक्ट रख दिया है वन माइनस ई की पावर माइनस सिग्मा एन एक्स। इसको सीधे याद रख लेना, क्लियर, कि नाभिकीय अभिक्रिया दर क्या होती है अभिक्रिया की दर जिस पर आपतित कणों द्वारा किसी दिए गए लक्ष्य पदार्थ की क्या कराई जाए अभिक्रिया कराई जाए, तो उसको जो अपन जो दर आती है उसको क्या कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया दर कहते हैं, तथा जो अपन उसका क्षेत्रफल क्या लिया है ए तथा मोटाई क्या लेते हैं एक्स। क्लियर, ये तुम्हारी जो यूनिट सेकंड है वो लगभग लगभग फिनिश हो चुकी है, क्या होती है फिनिश हो चुकी है। क्लियर, अब अपन यूनिट फर्स्ट चालू करेंगे, और यूनिट फर्स्ट में जो तुम्हारा पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा नाभिकीय बल। सभी जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है, देखिए नाभिक के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, सभी जानते हो नहीं जानते कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा रहता है आवेश रहित उदासीन होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण किस पर प्रोटॉन के पर धनावेश होने के कारण उस पर क्या लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर, कौन सा बल कार्य करता है प्रतिकर्षण बल लगता है, तथा उन पर जो घनत्व होता है वो घनत्व कैसा होता है अधिक होता है, इसी बल को अपन क्या बोलते हैं नाभिकीय बल बोलते हैं। क्लियर, और तथा एक बात और आती है कि नाभिकीय बल क्या होता है, एक परिभाषा और है कि नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, कि देखिए जब अपन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लगते हैं जो प्रबल बल लगता है उसे ही अपन उस बल को ही अपन क्या बोल देते हैं नाभिकीय आकर्षण बल बोलते हैं। क्लियर, कि प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अपन क्या बोल देते हैं उस प्रबल बल को क्या बोल देते हैं नाभिकीय आकर्षण बोलते हैं या नाभिकीय प्रबल आकर्षण बल बोलते हैं। क्लियर है सभी को, इस बारे में अपन कल यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और ये यूनिट सेकंड तुम्हारी फिनिश हो चुकी है। फिर अपने पास आता है कि नाभिकीय बलों के प्रकार क्या होता है, भाई नाभिकीय बल भी प्रकार होते हैं, कि उसमें नाभिकीय बल में आकर्षण बल क्या होता है, लघु परास क्या होती है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, जानते हो कि न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, मैंने तुमको पहले भी बताया था न्यूक्लियॉन क्या होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग, और जिसमें न्यूक्लियॉन संख्या क्या होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, और जितनी न्यूक्लियॉन जितने पास पास होंगे उतना ही नाभिक कैसा होता है स्थाई होता है, ये सब कुछ बताया था नहीं बताया था। तो अपन नाभिकीय बल तथा नाभिकीय बलों के प्रकार और आगे जो भी टॉपिक आएंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर, नाभिकीय बल मैंने तुमको बता भी दिया है, नाभिकीय बल के प्रकारों में क्या आता है आकर्षण बल आता है प्रतिकर्षण बल आता है लघु परास आती है न्यूक्लियॉन क्या होते हैं इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आगे अपने पास आता है एक चीज़ और आती है कि जो बंधन ऊर्जा होती है क्या होती है नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है बंधन ऊर्जा, देखिए बंधन ऊर्जा की मैं तुमको तीन परिभाषा बता देता हूँ, कि देखिए कि न्यूक्लियनों को पास पास लाने के लिए जितनी हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्या बोलोगे कि नाभिक के अंदर जो भी अपने पास न्यूक्लियन है उनको पास पास लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर, और तथा नाभिक को तोड़ने के लिए, भाई नाभिक को तोड़ने के लिए
दी जाने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। और तथा जो जो अपने पास नाभिक में जो अपने पास न्यूक्लियन की जो ऊर्जा होती है, जो वो बंधन ऊर्जा उसके क्या, उस ऊर्जा के क्या होती है, संगत तुल्य होती है। तीन परिभाषा हो गई, न्यूक्लियनों को पास पास लाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा। दूसरी बात आती है कि नाभिक को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है। तथा उसके संगत जो तुल्य ऊर्जा होती है वो भी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है। क्लियर है सभी को। और बंधन ऊर्जा को अपन किससे डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एन। क्लियर। ये तुम्हारी यूनिट सेकंड फिनिश हो गई है, यूनिट फर्स्ट अपन कल चालू करेंगे।